हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। केजरीवाल व मान ने मंडी रोड शो के दौरान किया पंजाब में 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा। हिमाचल में अपने पहले शक्ति प्रदर्शन में भीड़ से गदगद दिखे केजरीवाल, अपने मासूमियत भरे अंदाज में बोले, हमें राजनीति नहीं काम करने आते हैं। जुगनू हाजिर है कॉमेडी शो वाले अंदाज में बोले मान, अंग्रेजों ने इकट्ठी 200 साल तो कांग्रेस भाजपा ने किश्तों में दी 5-5 साल की गुलामी। रोड शो के दौरान काफी संख्या में दिखे पंजाबी वेब चैनल्स के पत्रकार। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में अपने पहले शक्ति प्रदर्शन व रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के आला नेता अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान ने 20 दिन के भीतर पंजाब से भ्रष्टाचार समाप्त करने का बड़ा दावा किया। अरविंद केजरीवाल के अनुसार अब ना तो पंजाब के थानों में रिश्वत ली जा रही है और ना ही अन्य सरकारी दफ्तरों में। अपने मासूमियत भरे चिर परिचित अंदाज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह एक देशभक्त है और उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, जबकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं व शिक्षा मुहैया करवाने जैसे काम ही उन्हें आते हैं। कुछ साल पहले अपने बहुचर्चित कॉमेडी शो जुगनू हाजिर है से देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अंग्रेजों ने जहां देश को 200 साल की इकट्ठी गुलामी दी, वहीं कांग्रेस भाजपा ने बारी बारी से 5-5 साल की किस्तों में गुलामी हमें दी है। अपने चिर परिचित अंदाज ने मान ने कहा कि 20 से 25 दिन में वह पंजाब में सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को समाप्त कर चुके हैं और हिमाचली चाहे तो वहां रह रहे अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से इस बात का पता कर सकते हैं। रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता वाहन अधिनियम की अवहेलना करते हुए दिखे। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा जैसे राजनीतिक दलों के रोड शो अथवा कार्यक्रमों में भी ऐसा होता है। आम आदमी पार्टी की दस्तक से इस बात के भी चर्चे शुरू हो चुके हैं कि जब से पंजाब में इनकी सरकार आई है, हिमाचल में आतंकी भिंडरांवाला तथा खालिस्तान के झंडे लेकर पहुंचने वाले लोगों अथवा सरदारों की संख्या बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर सिख अथवा सरदार समुदाय के कई लोग जहां खालिस्तानी झंडे उतारे जाने को लेकर हिमाचलियों को धमकियां दे रहे हैं, वहीं विदेशी धरती पर भुदकने वाले खालिस्तानी पुन्नू भी हिमाचल के मुख्यमंत्री अथवा सरकार को शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी दे चुके हैं। बहरहाल देवभूमि हिमाचल में आज हुए आम आदमी पार्टी के पहले रोड शो अथवा शक्ति प्रदर्शन में भीड़ जुटता देख दिल्ली के सीएम एवं पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित नजर आए। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी, चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। दोस्तों, मैं, मेरा छोटा भाई भगवंत मान, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमें काम करना आता है।